ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, teacher. The same, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मैं तबस्सुम फ़ातिमा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बगदल, तालुखा व ज़िला बीदर, आप तमाम तलबा का और नाज़रीन का इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद, वेलकम। तो बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, आज हम आपकी जमात चहरुम से मज़मून इल्म रियाजी का सबक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबक नंबर 7 का नाम आपको पता ही है ना? सबक नंबर 7 हमारा दायरे है। दायरे का पहला हिस्सा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं दायरे के मुतालिक। आज हम दायरे सबक का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं क्लास का आगाज़ करूं, आप अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर साथ लिए बैठें। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएंगे तो आपको नोट करना है, आपको तस्वीर दायरे की शक्ल आएगी तो आपको ड्रॉ करना होगा, है ना? तो इसलिए पेन और कॉपी के साथ बैठें आप। चलिए, आज हम दायरे पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हम जानते हैं के प्रकार और पेंसिल की मदद से किस तरह दायरा बनाया जाता है ना? तो ये दिख रहा है ना आपको, प्रकार है, उसमें पेंसिल डाला गया है और इस तरह से घुमा रहे हैं, तो ये बनने वाली शक्ल दायरा है। ये जो लोहे की नोक है जिस पर हमने पेपर पर रखा है लोहे की नोक, इसको क्या कहते हैं? लोहे की नोक रखा हुआ जो नुक्ता है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, ये दायरे का मरकज़ है। इसको ओ से जाहिर किया गया है ना? ओ जो बीचों बीच नज़र आ रहा है, लोहे की नोक जिस पर रखी है हमने, वो दायरे का मरकज़ है। चलिए, ये है दायरा आपके सामने। दायरे के बीचों बीच जो नुक्ता नज़र आ रहा है वो मरकज़ है, ओ है, जिसको ओ से जाहिर किया गया है। अब ये दायरे के नुक़ात हैं। दायरे के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, वो दायरे पर के नुक़ात हैं। इसको हम नाम देंगे ए नुक्ता, बी नुक्ता, सी नुक्ता, डी नुक्ता, ये दायरे पर के नुक़ात हैं। ओ से नुक़ात ए बी सी डी की पैमाइश करेंगे, यानी हम उसको नापेंगे। ओ से ए तक की पैमाइश, ओ ए कितना है? जी हाँ, ये 5 सेंटीमीटर है। ओ से फिर हम क्या करेंगे? बी तक की पैमाइश करेंगे। ओ से बी तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है ना? फिर ओ से सी तक नापेंगे हम। ओ से सी तक की पैमाइश करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर हम ओ से डी तक की पैमाइश करेंगे, यानी ओ से डी तक की जो लंबाई है, ओ से डी का तक का जो फासला है वो भी 5 सेंटीमीटर है ना? 5 सेंटीमीटर। तो इससे आपको क्या पता चला? यानी ओ ए की लंबाई, ओ बी की, ओ सी की, ओ डी की लंबाई 5, 5, 5, 5 ही है, सारे 5 हैं, यानी मसावी नज़र आ रहे हैं, है ना? तो दायरे के मरकज से दायरे पर के तमाम नुक़ात मसावी फासले पर होते हैं, ये आप गौर किए होंगे, है ना? वेरी गुड। चलिए, दायरे के मरकज से दायरे पर के तमाम नुक़ात मसावी फासले पर होते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो दायरे की तारीफ हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से। दायरा क्या है? एक सतह पर खींचे गए तमाम मसावी नुक़ात का मजमुआ है जिसकी दूरी की लंबाई मरकज से मुस्तकिल यानि मसावी होती है ना? मसावी 5, 5, 5 ही हैं, अगर 6 लेंगे तो सारे 6, 6, 6 ही होंगे, है ना? तो दायरे के मरकज से दायरे पर के तमाम नुक़ात मसावी फासले पर होते हैं, ये आप याद रखना होगा। इस तरह अगर और एक मानों में देखेंगे तो दायरे की तारीफ यूं भी की जा सकती है, एक सतह में मुतय्यन नुक्ते से, मुतय्यन नुक्ता यानि जो बीच में नज़र आ रहा है ओ, है ना, मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़े तमाम नुक़ात का सेट दायरा कहलाता है, और मुतय्यन नुक्ता दायरे का मरकज़ कहलाता है। मुतय्यन नुक्ता जो ओ है
वो दायरे का मरकज कहलाता है, जो कि बीचों बीच होता है, मरकज यानी बीच में होता है। तो एक सतह में मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़े तमाम नुक़ात का सेट दायरा कहलाता है, और मुतय्यन नुक्ता दायरे का मरकज कहलाता है, और दायरे के मरकज से दायरे पर के तमाम नुक़ात मसावी फासले पर होते हैं। चलिए, ये दायरा है, बीच में जो है मरकज है, ओ है, दायरे पर के नुक़ात ए बी सी डी हैं। आइए इस शक्ल में खतूत ओ ए एक ख़त खींचे हमने, ओ बी एक ख़त खींचा हमने, ओ से सी तक एक ख़त खींचा हमने, फिर ओ से डी तक भी एक ख़त खींचा हमने, है ना। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, इनको, इन खतूत को निस्फ खुतर कहते हैं, है ना। ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक, ओ से डी तक जो ख़त है उसको निस्फ खुतर कहते हैं। ये ख़त तो निस्फ खुतर है, निस्फ खुतर क्या है आखिर, इसकी तारीफ़ देखेंगे। मरकज से दायरे पर किसी भी नुक्ते को मिलाने वाला ख़त निस्फ खुतर कहलाता है ना। मरकज से शुरू हो रहा है, ओ से खींचा है हमने, है ना। दायरे पर के नुक्ता, दायरे पर का नुक्ता यानी ए है, फिर दायरे पर का नुक्ता बी है, दायरे पर का नुक्ता सी है। हमने मरकज से दायरे पर के नुक्ते को जो ख़त मिलाया है वो मिलाने वाला ख़त ही निस्फ खुतर कहलाता है। निस्फ खुतर को रेडियस कहते हैं, अंग्रेज़ी में रेडियस कहते हैं, जिसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। यानी जब भी स्मॉल आर लिखा गया है तो आप समझ जाइएगा कि वो निस्फ खुतर है, आर यानी निस्फ खुतर। जैसा कि ये दायरा है, ये दायरे में बीचों बीच मरकज़ है जिसको ओ से ज़ाहिर किया गया है, और दायरे पर का नुक्ता पी है, तो ओ से पी तक जो ख़त खींचा गया है वो निस्फ खुतर है। कितने सेंटीमीटर हमने फासला लिया है, 5 सेंटीमीटर। तो निस्फ खुतर यानी ओ पी आर मसावी कितना है, ओ पी यानी वो ख़त है, ओ पी आर से ज़ाहिर किया गया है क्योंकि वो निस्फ खुतर है, तो आर मसावी 5 सेंटीमीटर। इस दायरे का मरकज 5 सेंटीमीटर, इस दायरे का निस्फ खुतर 5 सेंटीमीटर है। चलिए, आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, एक दायरे में कई निस्फ खुतर खींचे जा सकते हैं। देखिए, खींच रहे हैं ना हम कई एक निस्फ खुतर, इस तरीके से मरकज़ से शुरू हो रहे हैं, है ना। तो एक दायरे में कई निस्फ खुतर खींच सकते हैं, चाहे इधर चाहे इधर चाहे उधर, कहीं भी आप दायरे में मरकज़ से दायरे पर तक नुक्ते को मिला सकते हैं, आप कितने भी चाहे उतने दायरे निस्फ खुतर खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक दायरे में कई निस्फ खुतर खींचे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप कहीं इसको देखा है एक अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसकी मिसाल दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मरकज़ से खींचे हुए जो ख़त है दायरे के नुक्ते तक मिलाने वाला। जी हाँ, आइए मैं बताऊँगी। पहिया, ये साइकिल का पहिया देखे हैं आप, जी हाँ आप रोज़ देखे हैं, बीचों बीच इस तरह जो होता है वो मरकज़ होता है, और मरकज़ से दायरे पर के नुक्ते को जो मिला रहा है वो जो काड़ियाँ हैं, जो लाइन्स हैं, जो खतूत हैं, वो निस्फ खुतर हैं, ये उसकी मिसाल है, ठीक है। चलिए, एक दायरे में कई निस्फ खुतर खींचे जा सकते हैं, इसकी एक और बेहतरीन मिसाल है हमारे पास, हमारे कौमी झंडे में मौजूद अशोका चक्र। देखे हैं आप फ्लैग होस्टिंग के टाइम पर, देखे हैं ना, बीच में जो ब्लू कलर का होता है अशोका चक्र, 24 स्पोक्स होते हैं उसमें, है ना। तो मरकज़ से खींचे हुए खतूत हैं वो, दायरे पर के नुक़ात को मिलाने वाले खतूत निस्फ खुतर हैं, कई एक हैं इसमें, है ना, एक नहीं दो नहीं, कई खतूत खींचे हुए हैं इसमें। ये बहुत अच्छी बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। बच्चों, आज हम कागज़ को मोड़ने की सरगर्मी करेंगे, जिससे मरकज़, निस्फ खुतर और खुतर जानेंगे। जिसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह एक पेपर लेना होगा और इस पेपर पर इस तरह का दायरा बनाएंगे। अब इस दायरे को हम कट कर लिए हैं, इस तरह का हमें दायरा हासिल हो गया है। अब इस दायरे को इस तरीके से निस्फ हिस्से में मोड़ेंगे। फिर इस दायरे को मजीद एक और बार इस तरह से मोड़ेंगे। ये जो नजर आ रहा है ये मरकज है, और ये जो है निस्फ खुतर है दायरे का।
फिर ये दायरे का खुतर होगा। फिर हम दायरे को इस तरह से खोलेंगे इस पेपर को, तो ये आप नजर आ रहे हैं, ये जो गहरी खतूत नजर आ रहे हैं आपको, ये जो है दोनों एक दूसरे पर खता कर रहे हैं। अब हम इसको पेन की मदद से हम यहां पर निशानदेही कर लेंगे। ये दोनों खतूत एक दूसरे पर खता कर रहे हैं, है ना? ये जिस नुक्ते पर खता कर रहे हैं हम इसको ओ नाम देंगे। दायरे का मरकज कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, निस्फ खुतर मरकज से दायरे पर के किसी भी नुक्ते पर होता है, दायरे पर के किसी भी नुक्ते पर होता है। अब हम इसको ए नाम देंगे और इस नुक्ते को बी नाम देंगे और यहां पर सी नाम देंगे और यहां पर डी नाम देंगे। इस तरह से ओ ए एक निस्फ खुतर है, ओ बी एक निस्फ खुतर है, ओ सी एक निस्फ खुतर है, ओ डी भी एक निस्फ खुतर है, क्योंकि ये खतूत मरकज से शुरू हो रहे हैं। अब हम खुतर देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, खुतर जो है निस्फ खुतर का दुगना होता है। ए बी एक खुतर है, ए ओ ओ बी ये निस्फ खुतर, ये निस्फ खुतर का दुगना खुतर होता है। ए ओ बी एक खुतर है, डी ओ सी एक खुतर है, क्योंकि खुतर दायरे के एक नुक्ते से शुरू हो रहा है, एक नुक्ते से ए से शुरू हो रहा है, मरकज से होते हुए दूसरे नुक्ते पर खत्म हो रहा है। तो इस तरह हमें यहाँ पर मरकज ओ हासिल हुआ और हम निस्फ खुतर देखे और हम खुतर भी हमने यहाँ पर हासिल किया। इस तरह आपने देखा कि दायरा कैसा बनाएं, और मरकज मालूम किया, निस्फ खुतर भी मालूम किया और खुतर भी मालूम किया। आइए, ये है हमारे पास दायरा। दायरे के बीचों बीच क्या है? मरकज है, जिसको ओ से जाहिर किया गया है, और ये दायरे पर के नुखात हैं, है ना? ए बी सी डी दायरे के ऊपर है ना, दायरे पर के नुखात हैं। चलिए, नुखात ए और बी को हम जोड़ेंगे, यानी ए से बी तक एक खत खींचकर ए बी को जोड़ेंगे। जोड़ दिए, है ना? चलिए, उसी तरह नुखात सी और डी को भी जोड़ेंगे। सी और डी को खत खींचेंगे इस तरह। सी डी भी हमने खींचा, एक खत खींचा। आपने देखा ए बी और सी डी किस नुक्ते से गुजर रहे हैं? जी हाँ, ये बीच में जो नुक्ता है ओ, उससे गुजर रहे हैं। ए बी और सी डी दायरे के मरकज पर से गुजर रहे हैं, है ना? मरकज पर से गुजर रहे हैं। ए बी और सी डी दायरे के खुतर हैं। जो ए बी लाइन और सी डी लाइन हमने खींची थी, जो खत हमने खींचे थे, वो खत खुतर कहलाते हैं। खुतर की तारीफ देखेंगे। यानी एक खत जो दायरे के मरकज से गुजरता है और जिसके इख्तितामी नुखात दायरे पर हों, खुतर कहलाता है। मरकज से गुजर रहा है और इख्तितामी नुखात दायरे पर हैं। इख्तितामी नुखात कौन से हैं? इसमें ए और बी इख्तितामी नुखात हैं, सी और डी इख्तितामी नुखात हैं, मरकज से गुजर रहे हैं, तो ये खुतर कहलाएगा। ठीक है, खुतर की तारीफ समझ गए हैं। चलिए, ऐसा वितर जो दायरे के मरकज से गुजरता है खुतर कहलाता है, है ना? ये दायरा है, दायरे पर के नुखात हैं ए बी, ये मरकज है, मरकज के ऊपर से गुजरने वाला खत ए बी खुतर कहलाता है। इस शक्ल में ए बी खुतर है, है ना? मरकज से गुजर रहा है। खुतर दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। अभी आप हम जैसे जो ही हम लाइन खींचे तो दो हिस्से हो गए दायरे के, है ना? एक उधर वाला हिस्सा, कलर्ड पोर्शन, एक हिस्सा है, और इधर ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है, दूसरा हिस्सा।
तो खुतर दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। किसी दायरे के दो खुतूर का नुक्ते तखाता ही मरकज़ है, यानी एक ख़त खींचा हमने, फिर एक और एक ख़त खींचेंगे तो दो खुतर हैं, ए बी और सी डी दो खुतर हैं। दो खुतूर का नुक्ते तखाता एक रहने पर हम खुतर कहते हैं, ज़्यादा रहे तो खुतूर कहेंगे, उसकी जमा है, खुतर की जमा खुतूर होगा, निस्फ खुतर की जमा निस्फ खुतूर होगा। उसी तरह किसी दायरे के दो खुतूर का नुक्ते तखाता यानी जहाँ पर वो ख़ता कर रहे हैं, जहाँ पर वो काट रहे हैं, वो नुक्ता मरकज़ है। दो खुतूर का नुक्ते तखाता ही मरकज़ है। चलिए एक और चीज़ आपको जो जहन नशीन कर लेनी है वो ये कि खुतर निस्फ खुतर का दुगना होता है। जिस तरह निस्फ खुतर आधा हो रहा था ना, तो खुतर जो है निस्फ खुतर का दुगना होगा। अब ये दायरा है, ये मरकज़ है, ये दायरे पर के नुखात हैं, है ना। तो ओ ए एक निस्फ खुतर है, ठीक है, फिर ओ बी दूसरा निस्फ खुतर है। ओ ए और ओ बी को जब हम जमा कर देंगे तो ए बी खुतर हासिल होगा, है ना, ए बी खुतर हासिल होगा। ओ ए की लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, फिर ओ बी निस्फ खुतर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो जब हम इन दोनों को जमा कर देंगे यानी 5 जमा 5 10 होगा, 5 का दुगना 10 यानी निस्फ खुतर का दुगना खुतर, तो 5 का दुगना 10, है ना, तो खुतर हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखेंगे हम। ये दायरा है, दायरे का मरकज़ है जिसको ओ से ज़ाहिर किया गया है। दायरे पर के नुखात एल के और एल हैं, है ना। ओ से के तक निस्फ खुतर होगा, ओ से ओ के क्या है, निस्फ खुतर है, और ओ एल दूसरा निस्फ खुतर है। तो ओ के और ओ एल को जब हम जमा कर देंगे यानी निस्फ खुतर जमा निस्फ खुतर करेंगे तो खुतर हासिल होगा। ओ के और ओ एल को जमा करेंगे तो के एल हासिल होगा। ओ के निस्फ खुतर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है ना। ओ एल निस्फ खुतर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 जमा 4 कर देंगे तो 8 होगा, यानी खुतर 8 है, यानी 4 का दुगना 8, है ना। 8 का आधा 4 हो जाएगा, यानी खुतर का आधा निस्फ खुतर, निस्फ खुतर का दुगना खुतर, ठीक है। चलिए ये भी आप जहन नशीन कर लीजिए, अच्छे से याद रखिए कि एक दायरे में कई खुतर खींचे जा सकते हैं। एक दायरे में जिस तरह हम कई एक निस्फ खुतर खींच रहे थे तो उसी तरह कई एक हम खुतर भी खींच सकते हैं, है ना। ये एक दायरा है, ये दायरे पर के नुखात हैं। चलिए एक खुतर हमने खींचा ए बी, फिर ये दूसरा खुतर सी डी, फिर ये तीसरा खुतर ई एफ, फिर ये चौथा खुतर जी एच। तो देखा आपने कई एक खुतर हमने इसमें खींचे हैं, तो एक दायरे में कई एक खुतर खींचे जा सकते हैं। बच्चों ये देख रहे हैं ना आप, ये जो है दायरा है, और ये जो है बीचों बीच ये मरकज़ है दायरे का, और ये दायरे पर के नुखात हैं, ये कई एक नुखात हैं, दायरे पर के नुखात हैं। ये मरकज से दायरे पर के किसी भी नुक्ते को, चाहे ये नुक्ते को चाहे ये नुक्ते को, मिलाने वाला खत निस्फ खुतर कहलाता है। मरकज से दायरे पर के किसी भी नुक्ते को मिलाने वाला खत निस्फ खुतर कहलाता है, चाहे ये नुक्ता हो मरकज से, चाहे ये नुक्ता हो मरकज से, ये जो है निस्फ खुतर कहलाता है, लेकिन है मरकज से ही, ये निस्फ खुतर कहलाता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि एक दायरे में कई एक निस्फ खुतूर खींचे जा सकते हैं। ये निस्फ खुतर है, ये दूसरा निस्फ खुतर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह कई एक निस्फ खुतूर खींचे जा सकते हैं। और इस तरह आप देख रहे हैं ये खत जो है मरकज से होते हुए दायरे पर के नुक्ते को मिल रहा है, तो इस तरह इख्तितामी नुक्ता दायरे पर है और मरकज से होकर गुजर रहा है, तो ये दायरे का खुतर कहलाता है। ये भी इख्तितामी नुक्ता है दायरे पर, ये भी इख्तितामी नुक्ता दायरे पर है और मरकज से होकर गुजर रहा है, तो ये खत जो है खुतर कहलाता है। इस तरह खुतर एक दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इधर का एक हिस्सा, इधर का एक हिस्सा, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, और ये दोनों हिस्से मसावी हैं।
इस तरह खुतर दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। वितर, वितर भी आपने एक लफ्ज़ सुना, वितर किसे कहते हैं इसकी तारीफ देखेंगे। अब तक हमने निस्ब खुतर देखा, मरकज़ देखा, निस्ब खुतर भी देखा, आइए वितर किसे कहते हैं ये देखेंगे। दायरे के मुहीत के दो नुखात को जोड़ने वाला खत वितर कहलाता है। ये दायरा है, दायरे की जो गोलाई है उस गोलाई को मुहीत कहते हैं, है ना। गोलाई नज़र आ रही है, ये ऊपर की जो गोलाई है उसको मुहीत कहते हैं। ये उसके नुखात हैं, मुहीत के दो नुखात हैं ए और बी। जब हम इसको जोड़ देंगे खत से तो ये ए बी वितर कहलाएगा। ये दायरा है, दायरे की गोलाई है, मुहीत है ना। इस पर नुक्ता सी है और नुक्ता डी है, तो जब हम नुक्ता सी और डी नुखात को जोड़ देंगे तो ये खत क्या कहलाएगा, सी डी वितर कहलाएगा। यानी दायरे के मुहीत के दो नुखात को जोड़ने वाला खत वितर कहलाएगा। ये दायरा है, ये उसकी गोलाई यानी मुहीत पर नुक्ता ई और एफ है, जब हम इसको खत खींचेंगे तो ये वितर कहलाएगा। ठीक है, खुतर भी एक तरह का वितर ही है, लेकिन वो मरकज़ से होकर गुज़रता है। हाँ, खुतर भी हमने देखा था अभी, है ना। ये दायरा है, ये दायरे पर मरकज़ से होकर गुज़र रहा है पी क्यू खत, देखिए ये बीच से गुज़र रहा है। जब ये मरकज़ से होकर गुज़रेगा तो उसका नाम वितर नहीं बल्कि खुतर कहलाएगा, नाम बदल जाएगा। अगर दायरे की मुहीत के नुखात को अगर हम किसी भी दो नुखात को जोड़ देंगे तो वितर बन जाएगा, अगर वही खत मरकज़ से गुज़रेगा तो खुतर कहलाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इस शक्ल को आप गौर से देखिए, दायरे के नुखात पर गौर कीजिए, कौन कौन से नुक्ते हैं, क्या नाम दिए गए हैं, आप इनको गौर से देखिए। ओ है आपके सामने, है ना। ओ कहाँ है, सबसे बीच में है, इसका नाम क्या है। जी हाँ, वेरी गुड, शाबाश, आप गौर से सुन रहे थे, है ना। तो ओ दायरे का मरकज़ है। चलिए ओ जेड को गौर कीजिए, ओ जेड नुक्ता है, ओ जेड खत है, उसका भी एक नाम है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ओ जेड का नाम क्या है, निस्ब खुतर है। वेरी गुड, शाबाश। एक्स वाई क्या है, वेरी गुड, खुतर है। ओ एक्स और ओ वाई को गौर से देखिए, ये भी क्या है, निस्ब खुतर हैं, है ना, आधे आधे, ओ एक्स आधा फिर ओ वाई आधा, तो ये निस्ब खुतर है। चलिए पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू खत को गौर से देखिए, वो क्या है, वेरी गुड, शाबाश, वो वितर है। बहुत खूब। चलिए इस नुक्ते को मरकज़ मानकर एक दायरा बनाइए, है ना, मरकज़ बीच में, दायरा खींचिए, ये दायरा बन गया। चलिए इसी दायरे को एक निस्ब खुतर खींचिए, निस्ब खुतर की तारीफ आपने देखी है, मरकज़ से दायरे पर के किसी भी नुक्ते को मिलाने वाला खत, ये हमने मिलाया, ये नुक्ता है दायरे पर का नुक्ता, ये मरकज़ से मिलाने वाला खत निस्ब खुतर बन जाएगा, यानी ओ ए निस्ब खुतर खींचा है, वेरी गुड। चलिए इस दायरे को एक खुतर खींचिए, यानी ये दायरा है, इसमें आपको खुतर खींचना है। खुतर की भी तारीफ आप देखे हैं, जिसके इख्तितामी नुखात दायरे पर हैं, जो मरकज़ से होकर गुज़रता है वो खुतर कहलाता है, यानी एम एन खुतर है, वेरी गुड। अब देखिए दायरे के हिस्सों के नाम से खाली जगहों को आपको पुर करना है। ये दायरे को गौर से देखिए, इसमें नुखात जो हैं उसको भी गौर से देखिए, खतूत को भी गौर से देखिए, आपको खाली जगह पे जवाब बताना है। ठीक है, दायरे का मरकज़ कौन सा है, वेरी गुड, दायरे का मरकज़ ओ है, शाबाश। चलिए निस्ब खुतर, इस शक्ल में निस्ब खुतर कौन सा है, जी हाँ ओ ए एक निस्ब खुतर है, वेरी गुड। और बताइए दूसरा निस्ब खुतर, ओ एन है, वेरी गुड। ओ एम तीसरा निस्ब खुतर है, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए खुतर, खुतर कौन सी है इसमें, जी हाँ एम एन जो लाइन है वो खुतर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दायरे में कुल निस्ब खुतूर की तादाद, यानी अभी आपने ओ ए ओ एम ओ एन बताया है, वही दायरे के निस्ब खुतूर हैं, तो कितने हैं टोटल, जी हाँ वेरी गुड, शाबाश, तीन निस्ब खुतूर हैं इसमें। दायरे के निस्ब खुतर की लंबाई कितनी दी गई है, सामने है आपके यहाँ मौजूद है, वेरी गुड, शाबाश, 6 सेंटीमीटर, इस दायरे के निस्ब खुतर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। दायरे पर का नुक्ता और मरकज़ का दरमियानी फासला क्या कहलाता है, जी हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे से, निस्ब खुतर कहलाता है, वेरी गुड। दायरे पर के किसी भी दो नुक़ात को जोड़ने वाला खत डैश कहलाता है,
क्या कहलाता है? किसी भी दो नुखात को, वेरी गुड, वितर कहलाता है। चलिए ज़ेल के जुमलों में सही जुमले के आगे आपको सही का निशान लगाना है और गलत जुमला अगर है तो गलत का निशान आपको लगाना है। इस शक्ल को भी आपको गौर से देखना है, ठीक है? आपके पास अब सेंटेंसेस यानी जुमले आएंगे। दायरे में हम सिर्फ एक ही निस्फ कुतर खींच सकते हैं, ठीक है? दूसरा जुमला, दायरे के तमाम निस्फ कुतर मसावी होते हैं। तीसरा जुमला है, दायरे का सिर्फ एक मरकज होता है। चौथा, शक्ल में दायरे ओ सी की लंबाई यानी आर मसावी 5 सेंटीमीटर है। इस शक्ल में ए बी दायरे का निस्फ कुतर है। चलिए देखेंगे अब आपके जवाबात की तस्दीक करेंगे। पहला, दायरे में हम सिर्फ एक ही निस्फ कुतर खींच सकते हैं? नहीं ना, गलत। दायरे के तमाम निस्फ कुतर मसावी होते हैं? सही। तीसरा है, दायरे का सिर्फ एक मरकज होता है? बिल्कुल सही। शक्ल में दायरे ओ सी की लंबाई यानी ओ सी का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, सही है ना? सही है। शक्ल में ए बी दायरे का निस्फ कुतर है, निस्फ कुतर है दायरे का? गलत, निस्फ कुतर नहीं है, ए बी वितर है लेकिन इसमें निस्फ कुतर बता रहा है ना? चलिए ये तस्वीर को देखिए, इस तरह के झूले आपने एग्जीबिशन में झूले हैं, इसमें कितने दायरे नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, इसमें दो दायरे हैं, है ना? ऊपर का एक है, नीचे का एक है। तो दायरे का इसमें मरकज़ कौन सा है? जी हाँ, बीचों बीच जो स्टैंड खड़ा है वो मरकज़ है। ऊपर के दायरे का मरकज़ अलग है, नीचे के दायरे का मरकज़ अलग है। और इसमें निस्फ कुतर भी है? जी हाँ बिल्कुल, वो जो मरकज़ से लाइन खींची हुई है, जो शीख है, जो रॉड है, वो निस्फ कुतर को ज़ाहिर कर रही है ना? गौर कीजिए आप, अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के कभी एग्जीबिशन वगैरह जाएंगे तो इस तरह का वहाँ पे झूला होगा तो आप उसमें मरकज़ और निस्फ कुतर को गौर कीजिए, ठीक है? चलिए एक और शक्ल है आपके सामने, ये गाड़ी का पहिया है ना? आप अपने गाँव वगैरह में देखे होंगे बैलगाड़ी को, इस तरह के पहिए लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, तो इसमें भी मरकज़ भी है, निस्फ कुतर भी है। चलिए बताइए कौन सा है? वेरी गुड, ये जो बीच में नुक्ता है वो मरकज़ है और जो ये उसमें पट्टियाँ नज़र आ रहे हैं ये निस्फ कुतर को ज़ाहिर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। चलिए ये देखिए, ये आपके सामने घड़ी है, इस घड़ी में कई एक दायरे हैं, है ना? जिसको हमने नाम दिया है C1 यानी दायरा 1, C2, C3 यानी दूसरा, तीसरा और चौथा दायरा, C1, C2, C3, C4 है ना? गौर से देखिए आप इसको, तो जो मिनट की सुई है वो कौन से निस्फ कुतर को ज़ाहिर कर रही है, कौन से दायरे के? जी हाँ बिल्कुल सही, वो दूसरे दायरे के निस्फ कुतर को ज़ाहिर कर रही है, वेरी गुड। और जो छोटा काटा है, जो यानी घंटे की जो सुई है, वो कौन से दायरे के निस्फ कुतर को ज़ाहिर कर रही है? जी हाँ, जो अंदर का दायरा है ना, पर्पल कलर का, यानी C1 दायरे के निस्फ कुतर को ज़ाहिर कर रही है। घंटे की सुई पहला जो दायरा है उसके निस्फ कुतर को ज़ाहिर कर रही है, बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, चलिए अब आपकी बारी है, यानी कि आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे, आप उनको तहरीर कर लेना है, आप अपनी नोटबुक में इस सवाल को और शक्ल को तहरीर कर लेना है और हल करने की कोशिश करना है। चलिए दी गई शक्ल का गौर से मुशाहिदा कीजिए, ये शक्ल को आप तहरीर कर लीजिए, गोल दायरा उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर ये सवालात को लिख लीजिए, यानी इस शक्ल में मरकज़ कौन सा है नाम लिखना है आपको, खतूर कितने हैं कौन से हैं नाम लिखना है आपको, निस्फ खतूर के नेम लिखना है आपको, कुल निस्फ खतूर की तादाद कितनी है गिनना है और लिखना है, कुल खतूर की तादाद कितनी है आपको ये भी लिखना है, ठीक है? ये सवालात को लिखिए, नोट कर लीजिए और आपके मज़मून इल्म रियाजी पढ़ाने वाले उस्ताद को आप बतलाइए, ये सवालात हमने हल किए हैं इस तरीके से बोल के आप चेक करने के लिए आप बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन सवालात को हल करेंगे। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज की क्लास में आप देखे दायरे की तारीफ देखे, है ना? फिर निस्फ कुतर और खुतर की तारीफ़ें देखे आप, फिर निस्फ कुतर और खुतर की मिसालें, कई एक मिसालें देखे आप, निस्फ कुतर और खुतर के माबैन फ़र्क को भी जाना आपने, यानी निस्फ कुतर आधा होता है खुतर का, फिर खुतर जो है दुगना होता है निस्फ कुतर का, ये फ़र्क को जाना आपने, फिर
वितर की तारीफ देखी आपने, है ना, ये भी आपने सीखा है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे फिर एक नए उनवान के साथ। मैं तबस्सुम फातिमा आपसे रुख्सत होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।